बड़ी खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं गीतु दीक्षित। रुख करते हैं इस समय की बड़ी खबर का। डीएनएन के एडिटर इन चीफ राकेश अग्निहोत्री की बिगड़ी तबीयत, भोपाल आते समय ट्रेन में हो गए थे अचानक बेहोश। राकेश अग्निहोत्री को झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। बता दें एडिटर इन चीफ जेएनएन के राकेश अग्निहोत्री का स्वास्थ्य बिगड़ा, झांसी के मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। जेएनएन के एडिटर इन चीफ आपको बता दें डीएनएन के एडिटर इन चीफ राकेश अग्निहोत्री की तबीयत बिगड़ी, अचानक ट्रेन में बेहोश हो गए थे। हमारे डीएनएन के एडिटर इन चीफ को तत्काल अस्पताल पहुंचाने वाले राजधानी के युवा पत्रकार राकेश मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, डीएनएन परिवार आपको बधाई देता है, आपने जान संकट में थी हमारे चीफ की, आप तत्काल हॉस्पिटल ले गए। क्या मामला था और कैसे अचानक तबीयत बिगड़ गई और आप साथ में सहयात्री थे उनके? जी शुक्रिया गीत भाई। मैं कल छतरपुर के इलाके में गया था। मैं खजुराहो से महामना एक्सप्रेस में भोपाल के लिए यात्रा कर रहा था, मेरे एक और साथी साथ में थे। तो छतरपुर से राकेश जी चढ़े थे और बाई चांस हमारा एक ही कोच था। मैं दूसरी तरफ था और राकेश जी दूसरी तरफ थे और ट्रेन चल रही थी। ललितपुर स्टेशन पर मैं चाय पीने के लिए उतरा और फिर मैं चाय लेकर वापस आया तो देखा कि डब्बे में कुछ हलचल हो रही है और एक यात्री की तबीयत वहां पर बिगड़ी हुई थी। लोग उनको घेर के खड़े थे तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या मामला है। थोड़ी देर देखा लेकिन वो काफी मुझे लगा कि ये मामला थोड़ा गंभीर है तो मैंने और नजदीक में जाके देखा। तब तक कोई यात्री इनको पहचान भी नहीं रहा था, उनके साथ में कोई था भी नहीं, अकेले ही यात्री कर रहे थे। तो मैंने नजदीक से जाके देखा तो फिर वो राकेश अग्निहोत्री जी थे और मुझे लगा कि ये मामला जो है, क्योंकि वो पूरा छत फर्श पर लेटे हुए थे और गिरे हुए थे, उनको होश नहीं था और पसीने से लथपथ वो एकदम थे। तो उनको फिर वहां से बैठाया सीट पर और तब तक टीटी वगैरह और बाकी लोग जो हैं वो और आए, उन्होंने कुछ फर्स्ट एड वगैरह की व्यवस्था के लिए वो लोग एक्टिव हुए तो राकेश जी भी वहीं उनको बैठा दिया सीट पर। और तब तक तो उनको थोड़ा होश आया, मैंने भी पूछा कि आप चिंता मत कीजिए, तो लेकिन वो पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं थे। तो उसके बाद फिर हमने एक डॉक्टर वहां पर आए जो रेलवे उसमें करते हैं, उन्होंने उनको देखा, उनका चेकअप किया, उनके सिम्टम्स पूछे और उन्होंने सलाह दी कि आप जो है तुरंत डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में आपको ले जाके दिखाना चाहिए क्योंकि थोड़ा कार्डियक का मामला लग रहा है। तो राकेश जी थोड़ा कह रहे थे कि नहीं मुझे भोपाल ही ले चलो, लेकिन मुझे लगा कि टाइम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और टाइम को देखते हुए हमें यहीं पर कुछ करना चाहिए। तो वहाँ फिर उनको मैंने तय किया, क्योंकि उनके पास साथ में कोई नहीं था तो मैंने अपनी यात्रा बीच में स्थगित करके और उनके साथ रहने के लिए मैंने अपना बैग उतार लिया, उनका भी सामान उतार के और उनको स्टेशन से फिर ले गए। तो स्टेशन पे फिर उनका और एक बार चेकअप करके और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए फिर वहाँ से ले गए। वहाँ का रेलवे प्रशासन ने हमारी मदद कर दी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके फिर उनका प्राइमरी ईसीजी वगैरह किया तो ईसीजी में उनका कंडीशन थोड़ा जो थे जम्प थे तो तुरंत फिर उनको दवाई वगैरह दी और वहां पर डॉक्टर ने, इस बीच में फिर मुझे लगा कि ये मामला थोड़ा क्रिटिकल है और इसमें और लोगों की मदद लेनी चाहिए तो मैंने भोपाल के पत्रकार साथियों को फोन करना शुरू किया। जबल दीपक तिवारी जी को मैंने लगाया लेकिन वो मीटिंग में थे, उनको नहीं हुआ। फिर मैंने सत्यन खरे जी को फोन लगाया जो मुख्यमंत्री जी के
ऑफिस में हैं, तो सत्यन जी ने फिर काफी इसमें एक्टिवली उन्होंने मदद की। राकेश जी को सब लोग जानते हैं, वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी समय से बहुत एक्टिव भी हैं, अच्छे इंसान हैं। तो फिर काफी मदद का सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ पे डॉक्टर आए, पुलिस प्रशासन आ गया, एसपी साहब आ गए ललितपुर के, पीएम साहब से फिर बात हुई तो उन्होंने भी मदद करने का आश्वासन दिया और काफी प्रशासन अलर्ट हुआ। 15-20 मिनट के अंदर में ललितपुर हॉस्पिटल के अंदर में सब लोग आ गए और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। इनिशियली जो भी दिया जाना चाहिए था डॉक्टर ने कुछ किया, लेकिन डॉक्टर का ये कहना था कि इसमें हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्यों आपको एक कार्डियो स्पेशलिस्ट से इनको करवाना चाहिए। तो फिर वहां से राकेश जी का कहना था कि भोपाल ले चलते हैं, लेकिन मुझे लगा कि फिर टाइम का मसला है और झांसी मेडिकल कॉलेज जो है वो 1.5 घंटे की दूरी पे था और भोपाल आने में 4-5 घंटे लगते। तो फिर यहाँ से हमने उनको एम्बुलेंस का व्यवस्था कर दिया था, एसपी साहब ने सब वहाँ मौजूद थे और उन्होंने किया। तो हम लोग फिर हॉस्पिटल झांसी मेडिकल कॉलेज से वहाँ से उनको रेफर करके और बाय रूट उनको ले गए। रास्ते में काफी सबसे कोऑर्डिनेशन होते रहा, डॉक्टर से भी वहाँ से नंबर वगैरह आ गए थे तो वो डॉक्टर की टीम भी वहाँ पर रेडी थी। तो हम लगभग 10 बजे के आसपास झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहाँ पर फिर राकेश जी का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जी जी जी, बड़ी संवेदनशील बात है राकेश जी, क्योंकि आप दोनों ही एक नाम राशि के हैं, लेकिन आपने जो मानवीयता प्रस्तुत की है ये लोगों के लिए मिसाल साबित होगी। हमारे डीएनएन परिवार के चीफ की सेहत अचानक बिगड़ती है और आप वहां मौजूद रहते हैं सहयात्री के तौर पर, और आपने उनको तत्काल आनन फानन में जो व्यवस्थाएं हो सकती थी अपनी यात्रा स्थगित करी, उनका प्राथमिक उपचार कराकर झांसी मेडिकल कॉलेज में आपने एडमिट कराया। डीएनएन परिवार आपको एक बार फिर साधुवाद व्यक्त करता है और इसी तरह आपसे प्रेरणा लेकर लोग सीख लें और लोगों की मदद करने के लिए जागरूक हों। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका। जी शुक्रिया शुक्रिया। तो आपको बता रहे थे राजधानी के युवा पत्रकार, कई सामाजिक संस्थाओं से सरोकार रखने वाले राकेश मालवी अचानक सक्रिय हुए। राकेश अग्निहोत्री के स्वास्थ्य को बिगड़ता देख वो जानते थे पहले से राकेश अग्निहोत्री को, और राकेश अग्निहोत्री को पहले उन्होंने ललितपुर के जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया, फिर उन्होंने अपनी समझ और सूझबूझ के साथ उन्हें झांसी के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया और फिर उनके जब राकेश अग्निहोत्री के परिजन पहुंच गए उसके बाद वो वहां से रवाना हुए, सबको बताकर कि ऐसी हालत थी, ऐसा स्वास्थ्य था। हम कामना करेंगे ईश्वर से कि हमारे एडिटर इन चीफ राकेश अग्निहोत्री शीघ्र स्वस्थ होकर वापस अपने काम पर जुट जाएं।